फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू रावड़ी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज हुई वेब सीरीज ग्रहण का, जिसमें पवन मल्होत्रा और जोया हुसैन बाप और बेटी के रोल में हैं। जोया एक आईपीएस ऑफिसर है जिसे एक एसआईटी का इंचार्ज बनाया जाता है। ये एसआईटी फॉर्म की गई है 1984 में बोकारो शहर में जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद, उसकी इंक्वायरी करने के लिए एसआईटी फॉर्म की जाती है जिसकी इंचार्ज है जोया हुसैन। इंक्वायरी करते हुए जोया के हाथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रायटर, एक बहुत ही बड़े दंगई का नाम सामने आता है जिसका नाम है ऋषि रंजन। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि रंजन की फोटो मिल जाती है जोया को, और वो रिकलेक्ट करती है कि अपने बचपन में शायद जोया ऋषि रंजन से मिली थी, उसकी कुछ फोटोज उसी के घर में पाई जाती है। तो ऋषि रंजन का जोया और उसके पिता पवन मल्होत्रा से क्या कनेक्शन है, ऋषि रंजन का रोल इस पूरे दंगे में किस हद तक था, ये एसआईटी की जांच का आगे जाके क्या होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको पता चलती है। पूरी 8 एपिसोड की वेब सीरीज है, ये स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। कहा तो गया है इसमें भी, स्टार्टिंग में जब इंट्रो वीडियो आता है उसमें भी लिखा है कि ये वेब सीरीज 84 नाम के नॉवेल पर बेस्ड है, बट आई डोंट नो कि वो नॉवेल इन लोगों ने कितना पढ़ा, कितना समझा और कितना इन लोगों ने स्क्रीन पर उसको अडेप्ट किया। ऑफ रिसेंटली इस वेब सीरीज के ऊपर कुछ लोगों ने, कुछ एनजीओज ने, कुछ लीगल बॉडीज ने केस फाइल किया है। रीजन बीइंग कि इसमें 1984 राइट्स को लेकर काफी सारे फैक्ट्स ट्विस्ट कर दिए गए हैं, जो मुझे भी ये वेब सीरीज देखते हुए लगा। इस वेब सीरीज को IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली हुई है, एंड आई मस्ट से इतनी रेटिंग ये वेब सीरीज डिजर्व नहीं करती है। देर आर मेनी रीजन्स टू इट। पहली बात तो इसके राइटर्स ने, मेकर्स ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की है। 1984 में जो दंगे हुए थे वो दंगे किस वजह से हुए थे? इंदिरा गांधी जी का मर्डर तो हो गया, लेकिन वो मर्डर भी क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार एग्जीक्यूट किया था गोल्डन टेंपल में। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों एग्जीक्यूट करना पड़ा? क्योंकि उसमें कुछ टेररिस्ट घुसे हुए थे। तो इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स। ये पूरा उस टाइम पर पूरी कंट्री में सिख कम्युनिटी को लेकर बहुत ज्यादा रोष था, गुस्सा था, जो इस वेब सीरीज में टोटली नदारद है, गायब है, दिखाया ही नहीं है। जो बोकारो शहर का नाम ये लोग ले रहे हैं बार बार इस सीरीज में, उधर 3 ही दिन दंगे चले थे, 31 अक्टूबर की रात से 2 नवंबर की रात तक। बाद में तो मिलिट्री ने आके, आर्म फोर्सेस ने आके वो कंट्रोल ले लिया, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो इस 3 दिन की वारदात में ना तो इन्होंने कुछ वारदातें डिटेल में दिखाई, उस टाइम पे उस टाइप का कैसा माहौल था, क्या चीजों की वजह से इनको इनिशिएशन मिला, दंगाइयों का क्या बैकग्राउंड था, ज्यादा इस पर टच नहीं किया गया, सब सरफेस लेवल पर दिखाकर छोड़ दिया। और बाकी ये 1984 के राइट्स को बेस बनाकर जो रूटीन ड्रामा हम लोग बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, जहां पे टेररिस्ट इन्वॉल्व है, जहां पे हिंदू मुस्लिम की को लेकर दंगे कराए जाते हैं, जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, किस तरह से वो अपने पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं हिंदू मुस्लिम के इशू को लाइमलाइट में लाकर, ये जो सारी चीजें सालों से हम लोग बॉलीवुड की हजारों मूवी में देख चुके हैं, वही की वही चीज एज इट इज इस वेब सीरीज में भी हमारे सामने रख दी। तो ये लोगों ने नया तो कुछ दिखाया नहीं, इनके राइटर्स ने, इनके स्क्रीन पे राइटर्स ने, स्टोरी राइटर्स ने मेहनत तो कुछ नहीं की, रिसर्च कुछ भी नहीं किया, वही कभी पका पकाया माल हमारे सामने रख दिया और उसको 1984 के राइट्स का बेस बनाकर बस थोड़ा सा एक नया टच देने की कोशिश की। द एंटायर सीरीज is highly predictable, highly mundane, highly conventional. Starting के 6 episodes काफी decent way में चलते हैं, screen play tight लगता है, लेकिन 7th और 8th episode completely out of track, out of focus चला जाता है। 7th episode में जोया हुसैन जबरदस्ती की हिंदू मुस्लिम के ऊपर ज्ञान देते हुए दिखाई देती है। 8th episode में जहां पे पूरी सीरीज को लोग क्लाइमैक्स की ओर लेके जा रहे हैं, उसमें इतना इंटेंस सीन होना चाहिए था, कोर्टरूम ड्रामा होना चाहिए था, सब कुछ गायब था। जो वकील लड़ भी रहे हैं केस दोनों साइड से, वो भी एकदम अमेच्योर आर्टिस्ट लिए गए, बहुत सस्ते कलाकार लिए गए जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। पूरा वेब सीरीज का इंटेंशन क्लियर ही नहीं था,
इनका शायद टारगेट था कि हमको कम से कम 8 घंटे या कुछ कंटेंट बनाना है, डिज्नी पर हॉटस्टार ने उतना पैसा दिया है हमको, तो बस खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ऋषि रंजन और उसकी लव लाइफ दिखा रहे हैं, दिखाओ सरफेस लेवल पर दिखाओ, लेकिन कोर इश्यू आपका क्या है? आपका कोर इश्यू होना चाहिए था 1984 के दंगे, जो साइड लाइन हो जाता है। ऋषि रंजन का कैरेक्टर ही लाइमलाइट में आ जाता है, स्पॉटलाइट में आ जाता है, उसकी लव स्टोरी ही स्पॉटलाइट में आ जाती है। 2-3 एपिसोड तो उसकी लव स्टोरी पर दिखाने में ही वेस्ट किए गए हैं। तो इसमें ओवरऑल स्टार्ट से लेकर एंड तक इसके मेकर्स का इंटेंट, इसके मेकर्स का फोकस प्लॉट को लेकर क्लियर नहीं था। आज इनके पास अगर इनको वेब सीरीज बनाने थी, इतना बड़ा मौका था, इतना ब्राउनी चांस था, जहां पे ये लोग पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, क्यों एग्जीक्यूट हुआ, वो टाइम पे क्या माहौल था, खालिस्तानी आतंकवादियों की क्या मूवमेंट थी, भिंडरांड वाले नाम का जो टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में घुसा था वो किस वे में घुसा था, क्यों घुसा था, उसको किसकी बैकिंग मिली हुई थी, क्यों इंदिरा गांधी जी को गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र स्थान पर मिलिट्री भेजनी पड़ी उन आतंकवादियों को मारने के लिए। इतना सारा माल मसाला था इनके पास, स्कोप था। ये चीज आज तक बॉलीवुड में कोर प्लॉट बनाकर नहीं दिखाई गई है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी ये लोग एटलीस्ट जब ये 1984 का इशू सामने लेकर आ रहे हैं, इंदिरा गांधी मर्डर को ये लोग बेस बना रहे हैं, उसके बाद जो इवेंट्स हुए पूरी कंट्री में उसको बेस बना रहे, तो शायद ये लोग रिसर्च करते, मेहनत करते, लेकिन टोटल नॉनसेंस, टोटल वेस्ट, बिल्कुल मेहनत नहीं की ना स्क्रीन पे राइटर्स ने, ना स्टोरी राइटर्स ने, ना स्क्रिप्ट राइटर्स ने। पका पका माल उठाया, उस पे 1984 के राइट्स का जस्ट तड़का टाइप लगा दिया और हमारे सामने एक वेब सीरीज रख दी, बस और कुछ नहीं किया। ऑफ रिसेंटली इस वेब सीरीज के ऊपर कुछ लीगल बॉडीज ने, कुछ सिख कम्युनिटी के लोगों ने केस फाइल किया है, स्टेटिंग द फैक्ट कि इसमें फैक्ट्स ट्विस्टेड बताए गए हैं, जो मुझे भी लगा फैक्चुअल बेसिस पे ये वेब सीरीज कहीं भी खरी नहीं उतरती। पता नहीं इसमें लिखा गया है कि ये 84 नाम की नॉवेल पर पूरी सीरीज बेस्ड है, तो मुझे नहीं पता कि 84 नॉवेल को ये लोगों ने कितना पढ़ा, कितना समझा और कितना उसको ये लोग स्क्रीन पर अडेप्ट कर पाए, क्योंकि कोई भी चीज नहीं नहीं लगती, कोई भी चीज वेल रिसर्च एग्जीक्यूटेड नहीं लगती, सब कुछ पका पकाया माल जैसा लगता है। जो भी बॉलीवुड मूवी जहां पे हिंदू मुस्लिम के झगड़े दिखाए जाते हैं, जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज की राइवलरी दिखाई जाती है, उसमें जो चीज, जो कंटेंट, जो मसाला, जो एंटरटेनमेंट आप देखते हो, सेम की सेम चीज उठा के हमारे सामने रख दी इन द फॉर्म ऑफ ए वेब सीरीज। 6 एपिसोड के बाद 7वें एपिसोड के स्टार्ट में आपको लग जाएगा एज अ व्यूअर कि इनकी कहानी खत्म हो गई, अब इनके पास दिखाने को कुछ है नहीं, बस चीजें च्युइंगम की तरह खींचना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पास टारगेट है 8 एपिसोड की वेब सीरीज बनाने का। सो एंगेजमेंट फैक्टर इनके पास होना चाहिए था जो मिसिंग था, और 6 एपिसोड तक डिसेंट है वेब सीरीज, देयर इज नो डाउट इन दैट, एक बार तो देखने लायक है ही। और इसमें अगर आपको कुछ चीज देखनी है तो पवन मल्होत्रा जी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देख सकते हो आप, वो एक सीन में भी आते हैं इतना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, इतना इमोट करके जाते हैं वो। काफी सारे इंटेंस सीन्स हैं जो पवन जी ने ही एग्जीक्यूट किए हैं, उन्होंने ही डायलॉग्स दिए हैं उसमें, हिज एक्टिंग इज ए क्लास, टॉप नॉच। वही ऑन द कॉन्ट्रेरी जोया हुसैन इज ए कंप्लीट लेट डाउन, इतना बड़ा मौका मिला था उसको पूरा गवा दिया उसने, शी वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज, पूरी सीरीज का दारोमदार उसके ऊपर था एंड पूरी फिसड्डी निकली। जोया हुसैन इज द सेम एक्ट्रेस जो मुक्काबाज में थी, मुक्काबाज में इसको गूंगा बताया और मेरे ख्याल से वो सही था, क्योंकि ये बोलने जाती है तो रहता वहीं फैल जाता है, ये बोकारो को भी ऐसे बोलती है, बोकारो बोकारो, मतलब देर इज, और डेड पैन एक्सप्रेशन है, एक गुंडे टाइप नेता को ये खींच के लेके आ रही है और डेड पैन एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है फेस पे, ना गुस्सा ना कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, टेंशन कुछ भी नहीं। वो टाइम पे आपको लेडीज सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई देती है, सेम एक्सप्रेशन ऑल ओवर, इतने इंटेंस सीन्स हैं पवन मल्होत्रा के बीच में, जोया हुसैन के बीच में। जोया जिस जिस तरह से विक्टिम्स को मिलती है, 1984 राइट्स के जो विक्टिम्स होती है उनको मिलती है, इतने इमोशनली एग्जीक्यूटेड सीन्स है वो, उसमें इसका एक्सप्रेशन है ही नहीं, शी इज नॉट एबल टू बी इन द मोमेंट। सो ये उनको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं टिक पाएगी, ना तो वेब सीरीज में टिक पाएगी और मूवीज में तो खैर मुक्काबाज के बाद तो कोई प्रोजेक्ट देखा ही नहीं उनका। तो ये बहुत बड़ा लेट डाउन था जोया हुसैन की परफॉर्मेंस, जो भी सपोर्टिंग एक्टर्स है मेजोरिटी लोगों ने अच्छा काम किया है।
बाकी ये सिर्फ एक वन टाइम वॉच बन के रह गई है वेब सीरीज। इसको आईएमडीबी पे 8.7 की रेटिंग मिली है, गॉड नोज। बिकॉज ये शायद रेटिंग इसलिए मिली क्योंकि पहली बार शायद इतने एग्जॉस्टिव वे में 1984 के राइट्स को दिखाया गया है। लोगों को ज्ञान नहीं है उस टाइम पे किस टाइप का माहौल था, क्या टेंशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इंदिरा गांधी जी का क्या रोल था उसमें, ये सारी चीजें। पर बॉलीवुड में फिल्म नहीं बनाई गई। राजीव गांधी मर्डर पर मल्टीपल मूवीज बनी है, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट पर मल्टीपल मूवीज बनी है, लेकिन इस टॉपिक को लेकर, ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर, इंदिरा गांधी जी के मर्डर को लेकर बॉलीवुड में कोई भी मूवी आज तक ढंग की नहीं बनी, बनी ही नहीं बेसिकली। सो ये चीज की वजह से शायद लोगों को ये नया लगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए उन्होंने रेटिंग्स बढ़ा दी। अदरवाइज इट डजंट डिजर्व 18 ऑफ 8.7, नॉट एट ऑल। मेरे लिए तो ये वन टाइम वॉच है, वो भी अगर और कुछ देखने के लिए है नहीं तो। सो माई राउडी रेटिंग फॉर ग्रहण, विच इज अ डिजनी प्लस हॉटस्टार VIP वेब सीरीज, विल बी जस्ट 3 out of 5। बहुत स्कोप था इनके पास, बहुत पोटेंशियल था, कहानी प्लॉट भी अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में लोग मार खा गए, रिसर्च में मार खा गए, किया ही नहीं कुछ, मेहनत ही नहीं की। सो आपको ग्रहण पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हैव वर्क डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी ना किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।